अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ डोंट डिस्टर्ब के ऑप्शन के बारे में। डोंट डिस्टर्ब का ऑप्शन तो वैसे तो ये हर कोई जानता है इसके बारे में, इसके इसका यूजेज भी सबको पता है कि ये कैसे यूज़ होता है, लेकिन इसके जो हिडन फीचर हैं वो शायद काफ़ी कम लोग हों जो इसके बारे में जानते हों। तो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डोंट डिस्टर्ब का ऑप्शन वैसे तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में भी मिल जाएगा, अगर आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे तो। इसके अलावा इसका जो शॉर्टकट है वो यहाँ से आपको मिलेगा। जैसे आप ऊपर से ये पैनल नोटिफिकेशन पैनल निकालेंगे तो आपके सामने ये तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है ये डोंट डिस्टर्ब का ऑप्शन है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसके तीन ऑप्शन आते हैं, टोटल साइलेंट, अलार्म ओनली और प्रायोरिटी ओनली। तो टोटल साइलेंट कर देंगे तो इसके अंदर ये आपके मोबाइल टोटल साइलेंट हो जाएगा। जैसे आप इसको टोटल साइलेंट करेंगे तो आपका मोबाइल बिल्कुल टोटली साइलेंट हो जाएगा। इसके ऊपर आप कोई सी भी वीडियो या कुछ भी आप इसके ऊपर प्ले करना चाहें तो कुछ भी किसी चीज़ की भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, और ना ही इससे अलार्म ओनली पे अगर क्लिक करते हैं तो इससे यह होगा कि आपने अपने मोबाइल के अंदर जो अलार्म लगाया हुआ है वो आपके उसकी बेल आपको सुनाई देगी। इसके अलावा बाकी बेल्स वगैरह हैं या इसके बेल्स वगैरह हैं वो आपको सुनाई नहीं देंगी, ये म्यूट कर देगा उनको। और इसके अलावा आप अगर वीडियो वगैरह कुछ प्ले करना चाहें तो उसकी वॉइस आपको सुनाई देगी, मतलब उनको म्यूट नहीं करेगा, सिर्फ ये आपके जो रिंग टोन वगैरह हैं या मैसेज टोन वगैरह हैं उसको ये म्यूट कर देगा। इसके अलावा ये प्रायोरिटी का भी ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे बाकी ये सारे काम करते हैं। इसके अलावा ये नीचे आप ये देखें जो ये तीन सर्कल दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर एक आ रहा है अनटिल यू टर्न दिस ऑफ, ये इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये तब तक जब डोंट डिस्टर्ब का ऑप्शन तब तक ऑन रहेगा जब तक आप इसको ऑफ नहीं कर देते। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है फॉर वन आवर, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको ये ऑप्शन देगा कि आप कितने टाइम के लिए इसको अपने इसके ड्यूरेशन कितना रखना चाह रहे हैं, कि कहाँ से किस टाइम से लेकर किस टाइम तक इसका मतलब जो फंक्शन है वो ऑन रहे उसके बाद ऑफ हो जाए। तो यहाँ से आप इसके आवर्स बढ़ा भी सकते हैं, आवर्स कम भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन जो आ रहा है, अगर आपने को अपने मोबाइल के ऊपर अलार्म सेट किया हुआ है तो जैसे मैंने ये 7:30 बजे का अलार्म सेट किया हुआ है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये 7:30 बजे से पहले तक ये साइलेंट रहेगा मोबाइल, उसके बाद आपका मोबाइल 7:30 बजे के बाद डोंट डिस्टर्ब का ऑप्शन ऑफ हो जाएगा और आपका मोबाइल नॉर्मल मोड में चला जाएगा। ठीक है गाइस, ये तो हो गए इसके जो सामने दिखने वाले फ्यूचर्स हैं। इसके हिडन फ्यूचर कहाँ से आएंगे आपके सामने ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने इसका डोंट डिस्टर्ब का ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। इसके अंदर जो जो ऑप्शन आ रहे हैं प्रायोरिटी के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी, इसके अंदर जो अलार्म है वो तो वैसे ही डिफ़ॉल्ट के तौर पे ऑन रहेगा, लेकिन इसके अंदर आप रिमाइंडर को ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। जो इवेंट अगर आपने लगाया हुआ है कुछ भी तो वो उसके अंदर उसको भी आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैसेज टोन मैसेज के लिए मैसेज अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी कॉल्स की ऑफ रहे जो रिंग टोन है और आप मैसेज की जो टोन है वो ऑन रहे तो आप इस यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कुछ उसकी टोन भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये भी बताएगा कि आपको जो मैसेज आ रहा है वो किसी से भी आएगा तो उसकी भी बेल टोन सुनाई जाए या सिर्फ उस नंबर की आपको बेल टोन सुनाई दे जो आप अपनी मर्ज़ी से नंबर रखना चाहते हैं। स्टार कॉन्टैक्ट ओनली, जो आपने अपने फेवरेट किए हुए कॉन्टैक्ट हैं उनसे जो मैसेज आएंगे उनकी डिटेल उनके बेल वगैरह आपको सुनाई दे, या इसके अलावा अगर आप नन करना चाहें तो नन भी कर सकते हैं।